ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। सरगुजा वासियों के लिए खुशखबरी है कि मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर को उड़ान के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है। इससे सरगुजा से हवाई सफर का रास्ता अब साफ हो गया है। लंबे इंतजार के बाद सरगुजा क्षेत्र वासियों की मांग शुक्रवार को पूरी हो गई है। भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कार्यालय ने मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर को उड़ान के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों सिविल एविएशन की टीम ने एयरपोर्ट अधोसंरचना और आवश्यक मानदंडों का निरीक्षण किया था। टीम ने अंतिम निरीक्षण के बाद शुक्रवार को अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए अनुमति दे दी है। बहुत बहुत सभी लोगों को, मतलब सरगुजा वासियों के जितने भी लोग हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। बिकॉज आज हम लोगों को मां माया एयरपोर्ट अंबिकापुर सरगुजा को DGCA का लाइसेंस मिल गया है। तो पिछले कितने सालों से सभी लोग उसकी जो प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो प्रतीक्षा खत्म होते हुए आज हम लोगों को लाइसेंस मिला है। तो यहाँ से जैसे भी गवर्नमेंटल प्लानिंग बनेगा, कहाँ से यहाँ से जहाँ जहाँ फ्लाइट जाएगी उसके लिए, और बाहर के लोग भी हमारे यहाँ आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रायपुर की कनेक्टिविटी है, दिल्ली मुंबई जहाँ की कनेक्टिविटी है आसान भी हो जाएगी। और हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा अंबिकापुर, हमारा जो उत्तर छत्तीसगढ़ है वो सभी जगह पर एयर से कनेक्ट हो जाएगा। और आप तो जानते हैं कि मेन पार्ट है जो हमारे छत्तीसगढ़ का एक पर्यटन स्थल है, बहुत सारे पर्यटकों को भी आसानी हो जाएगी, वो यहाँ आएंगे हमारे यहाँ की नेचुरल खूबसूरती देखेंगे। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सरगुजा के लिए, उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा, बिकॉज उससे हम सभी जगह पर कनेक्ट हो रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।